डियर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, सेमेस्टर वन एमसीक्यू ऑनलाइन एग्जामिनेशन को सीआईएससी 22 नवंबर 2021 को इनोग्रेट कर रहा है आईएससी के इंग्लिश पेपर टू के साथ। स्टूडेंट को सबसे पहली और बड़ी बात याद रखनी है, डोंट लूज योर होप एंड हार्ट। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखिए। क्वेश्चन पेपर चाहे जो कुछ भी हो, आपकी पढ़ाई का लेवल कहीं हो, आप सबसे अच्छे हैं और उसी के हिसाब से होंगे। सेकंड पॉइंट कि क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट बेहद ही आसान पैटर्न पर तय किए गए हैं। अब चाहे क्रॉसिंग द बार हो या स्टोरी ऑफ एन आर हो, बिरचे पोयम हो, इनको ध्यान में देकर पढ़ेंगे आपके आंसर बहुत अच्छे और बेहतर आएंगे। टेम्पेस्ट से जो भी मिरांडा के कमेंट है आप उसको देख लीजिए, इंग्लिश पेपर टू में लगता है और जिस तरह की बातें प्रेडिक्शन की जा रही हैं, इनसे क्वेश्चन ज्यादा रहने की उम्मीद है। यहाँ पर स्टूडेंट के पास समय को किस तरह से बचाना है, एक बात याद रखनी है, यहाँ पर फर्स्ट स्लिप ऑफ इंफॉर्मेशन है, ध्यान से पढ़नी है, गलती नहीं करनी है और उसको जैसा टीचर का इंस्ट्रक्शन होगा उस हिसाब से भरनी है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको किसी तरह से लाकर यहाँ पर सॉल्व कर दूं, लेकिन न तो सीआईएससी न ही हमारे स्कूल इसका परमिशन दे रहे हैं और पिछले 3 दिनों से इतनी व्यस्तता है, आईएससी का वो अभी इंग्लिश का पेपर है, मेरी जो बिजीनेस है बहुत बढ़ी हुई है, मुश्किल से मैं यह वीडियो आपके साथ बना के कुछ बातें शेयर कर पा रहा हूं कि किस तरह से आप डीलअप करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के एंड में जो स्पेस होगा वहां पर ऑप्शन के ए बी सी डी में से ही भरने हैं, आपको एग्जैक्ट ऑप्शन कैपिटल लेटर ए बी सी डी होंगे उसी से। थर्ड पॉइंट, ऑड मैन आउट, मैं बार बार कह रहा हूं इसको ध्यान रखेंगे। ऑड मैन आउट मतलब कि यदि 4 ऑप्शन हैं उनमें से ऑड आंसर को आप बाहर करने की कोशिश करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बेहतर हैं और बताया जा रहा है कि करीब 20-30% है। थर्ड पॉइंट, ये बातें काफी सामने आई हैं कि कंटेंट बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड एक पैसेज दे देने के बाद जो क्वेश्चन का सिलसिला है, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन सैंपल्स प्रोवाइड कर दे रहा हूं जिसके आधार पर आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। मिरांडा के साथ फर्डिनांड का जो भी कन्वर्सेशन है, ध्यान देने की जरूरत है इनको, मैं जो बता रहा हूं इनको आप ध्यान से, जो भी ग्रीक लैंग्वेज में इन दोनों के बीच में कमेंट है इनको थोड़ा सा देख कर इसको पढ़ लेंगे। इस बार पोएटिक डिवाइस या फिर फिगर ऑफ स्पीच को बहुत ज्यादा डाला नहीं गया है इंग्लिश पेपर टू में, केवल फैक्ट बेस्ड यानी कि स्टोरी या पोएम आप पढ़ते हैं उसके बाद उस पर टू द पॉइंट क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उसी को दिया गया है या उसी के आधार पर आईएससी इंग्लिश पेपर टू को सेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि स्टूडेंट का इवैल्यूएशन ऑन द पैटर्न और मॉडरेट वे में होगा, क्वेश्चन पेपर के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है बताए गए हैं वो कहते हैं कि आसान है, लेकिन स्टूडेंट को अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग टाइप के डाले गए हैं स्टूडेंट के लिए। यहीं पर स्टूडेंट जो 90% प्लस क्रॉस करेंगे उनके लिए है। अब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में वर्ड के हिसाब से कॉम्प्लेक्स कर दिए गए हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना है और अपनी तैयारी के हिसाब से सही आंसर देने हैं। जिन आंसरों को आप नहीं जान रहे हैं उसको लास्ट समय के लिए छोड़ेंगे। ऑड मैन आउट की थ्योरी को याद रखेंगे, मैं बार बार यह क्लू अपने सेकंड से थर्ड वीडियो में दे रहा हूं। इसका मतलब है कि 4 ऑप्शन में से जो ऑड ऑप्शन होंगे उनको आप खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्रॉसिंग द बार, बिरचेज से यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं और स्टोरी ऑफ द आर होंगे ही होंगे जिसमें कि इस तरह के ऑप्शन देने की बातें कही गई हैं। तो एक थम्स अप बनता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।